मेरा नाम रजनी पंडित है, इंडिया के मैं फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव हूँ। डिसगाइज यूज़ करना ज़रूरी पड़ता है, कभी पागलपन दिखाना पड़ता है, कभी अंधे का रोल करना पड़ता है, कभी गूंगे बहरे का रोल करना पड़ता है। ये मेरा सबसे बेहतरीन चीज़ है कि इससे किसी को पता नहीं चलता है कि बुरखे के पीछे कौन है, और फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए कि हर माँ बाप को ऐसा लगता है कि नहीं, अपना लड़का हो लड़की हो सुखी रहे, वो समझना मांगता है ना। हम तो हमारी उम्र अभी कितनी है मालूम नहीं है, हम आज है कल नहीं है, लेकिन उसकी तो पूरी आयुष्य है, पूरी ज़िंदगी है, तो वो क्या करेगी, वो उसको सहारा कौन देगा। इसलिए अभी डिटेक्ट लोगों की बहुत ज़रूरी है। एड्रेस बराबर मिला ना आपको? हाँ, लड़की है मेरी, तो उसके पीछे जा नहीं सकते, वो सर्विस करती है एक छोटी सी, लेकिन मुझे ऐसे डाउट है कि वो किसी के पास घूमती है। आप मुझे उसका फोटो दे देना, जिसके साथ घूमती है ना, उसकी पूरी जानकारी मैं निकाल के आपको देती हूँ। तो हमने उनको बहुत बहुत बार मना किया, लेकिन वो सुनती नहीं है। वो बोलती है मुझे शादी करनी तो उसके पास ही करनी है, तो हमें तो दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मेरी नहीं, शादीशुदा है ऐसा सुना है, लेकिन पक्की खबर नहीं है। तो वो निकालनी है? हाँ, निकालनी है। और वो क्या करने वाला है, खराब सच में प्यार करता है उसके पास, नहीं वो करती है, नहीं कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। हाँ, तो आप मदद करेंगे? तो पक्का पक्का करेंगे, आप हाथ मत जोड़ना मुझे। जब डॉक्टर को हम बताते हैं कि हमारी बीमारी क्या है, तो हम पर इलाज हो सकता है। वैसे डिटेक्टिव का काम है कि जो कुछ भी है वो सच्चाई आपके सामने लाने के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आगे क्या करना है। मुझे खाली इतना जानना है कि ये शादीशुदा है नहीं है। मैं अभी उसके घर पे जाऊंगी, बेल लगाऊंगी, प्यास लगी है बहाने पानी मांगूंगी, घर के अंदर जाने की कोशिश करके। मैं अभी ऊपर गई थी, वो आदमी के घर का दरवाज़ा मैंने बेल रिंग किया, तो औरत ने दरवाज़ा खोला, और औरत और उसके साथ दो बच्चे बाहर आए कौन चाहिए करके पूछने के लिए। मैंने इनका नाम लिया तो बोले यही घर है, तो उसको दो बच्चे हैं, वाइफ भी है, और घर पे आते हैं। हेलो, लव डिटेक्टिव पुराने और अभी के ज़माने में जो दूरी है वो पूरा कर सकती है। लाख छुपाए छुप नहीं सकता असली नकली चेहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा।